नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बस जो सांबा से सांबा के विजयपुर इलाके से आ रही है, इलेक्शन से ठीक एक दिन पहले शराब की एक बड़ी खेप पुलिस ने पकड़ी है, जिसमें दो लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। जरूर कहेंगे वेल्डन एसएसपी सांबा और वेल्डन एसएचओ विजयपुर जहीर मन्हास जी, नाम ही काफी है। ये पहली बार नहीं, जहां जहां पर भी अपनी ड्यूटी में कार्यरत रहे हैं, जहीर मन्हास अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। और साथ ही साथ बात करें अगर ड्रग नशा तस्करों पर, तो कहर बनकर टूटते हैं जहीर मन्हास। अगर बात करें चाहे बीरा साहब की, बात करें अखनूर की, बात करें विजयपुर की, और जहां अन्य जहां पर भी पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकियों में रहे हैं, वहां पर इनका काम बोलता है। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि इस समय की जो लगातार एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रयास करी, जम्मू कश्मीर पुलिस भी पैनी नजर है उन लोगों पर जो कहीं ना कहीं इलेक्शन के दिलों में खलल डालने के लिए या उन नेताओं के द्वारा लोगों में शराब बांटकर या पैसे के माध्यम से वोटों को खरीदने की कोशिश करते हैं। पर यह इलेक्शन से ठीक एक दिन पहले यानी कल 26 अप्रैल है और जम्मू रियासी लोकसभा सीट के मतदान है, जो सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक होंगे। उसके ठीक एक दिन पहले अगर बात करें आज की, तो कहीं ना कहीं 8998 जो शराब की बोतलें उसे बरामद की और दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है, और लगभग 12 लाख रुपए की शराब है जो जब्त की गई है। पूरी खबर क्या है वो भी आप आपके समक्ष रखना चाहेंगे। पर जो भी लोग इस समय में देख रहे हैं, वेल्डन सांबा पुलिस, वेल्डन एसएचओ जहीर मन्हास विजयपुर जो है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सांबा पुलिस ने भारी मात्रा में 8998 शराब की बोतलें बरामद की और दो लोगों को गिरफ्तार किया। एसएसपी सांबा के नेतृत्व में विनय कुमार जो है एसएसपी सांबा, उनके मार्गदर्शन में से सांबा पुलिस के ने पुलिस स्टेशन विजयपुर के अधिकार क्षेत्र में भारी मात्रा में विभिन्न ब्रांडों की शराब को बरामद किया और दो लोगों को गिरफ्तार भी किया। एसएचओ विजयपुर इंस्पेक्टर जहीर मुश्ताक के नेतृत्व में पुलिस स्टेशन विजयपुर की एक टीम यानी कि एक पुलिस टीम ने रैया मोड़ के पास स्थापित विशेष नाके पर वाहन चेकिंग के दौरान जम्मू की ओर से आ रहे एक टाटा 2207 मोबाइल पंजीकरण संख्या JK02CA2545 को जांचने के लिए रोका। उक्त वाहनों की जांच के दौरान वाहन के अंदर 253 यानी कार्टन बक्स पाए गए, जिनमें से विभिन्न ब्रांडों की 8998 नग शराब की बोतलें थी, जो कुल मिलाकर लगभग 2270 लीटर शराब थी, जो दूसरे चरण के पहले जारी डीएम सांबा यानी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए ले जा रही थी। बताना चाहिए सांसद का चुनाव, जिस तरह से आप जानते हैं 2024 आरोपियों की पहचान कुलदीप यानी चुनाव के दौरान इतनी बड़ी केप आखिर कहां से आ रही थी, जो जम्मू की ओर से यानी कि विजयपुर में जो चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। और बताना चाहेंगे आरोपियों की पहचान कुलदीप राजपुत्र गिरधारी लाल निवासी छन्नी विजय त्रिकुटा नगर जिला जम्मू, और चमन लाल पुत्र गैनचंद निवासी गुजरो नगरोटा तहसील मजालता जिला उदयपुर के रूप में हुई है। एक केस यानी बताना चाहेंगे एक केस FIR नंबर 60/2024 धारा 188 IPC 48 से आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस स्टेशन विजयपुर में मामला दर्ज किया गया और आगे की जांच शुरू की गई है। लगातार आप देख रहे हैं इतनी बड़ी खेप पकड़ना, आखिर कहां से गाड़ी आ रही थी, कौन गाड़ी को इतनी मात्रा में शराब जो विजयपुर की ओर जा बढ़ रहे थे, और कहीं ना कहीं पुलिस नाके के दौरान चेकिंग के दौरान पुलिस की सतर्कता दौरान इन्हें पकड़ा गया। अन्यथा हो सकता था ये कहीं ना कहीं राजनीतिक एक हिस्सेदारी हो जाती वोटिंग से पहले इतनी बड़ी खेप का होना। और लगातार आप देख रहे हैं चाहे जम्मू की बात करें, सांबा की बात करें, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जहां पर मतदान हुए हैं, पहले भी हुए और अब भी होने कल जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी बड़ी हरकत यानी कि सख्ती से पेश आ रही, वहीं पर पुलिस भी अपना दायित्व बाखूबी निभा रही है। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि ये शराब की बोतलें मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा कि अगर किसने भेजी और कहां पर इतनी सारी खेप जो शराब की जा रही थी, क्योंकि ठीक वोटिंग के एक दिन पहले, क्योंकि सांबा में भी वोटिंग है, कालाकोट में वोटिंग है, सुंदरबनी में वोटिंग है, जम्मू में वोटिंग है, और लगभग 5 अलग अलग एरिया में जिस तरह से वोटिंग है। और अगर जम्मू की बात करें 1488 जो पोलिंग बूथ है, पर उसी का हो सकता है एक हिस्सा हो, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा पहले भी कि जब भी वोटिंग होती है इलेक्शन के दिन होते हैं, इसी तरह से शराब की खेप के माध्यम से शराब की बोतलें लोगों को देकर उन्हें खरीदा जाता है या पैसे देकर खरीदा जाता है कि हमारे हक में वोट दें। पर यह सारा हो सकता है ये भी एक षड्यंत्र हो या ये भी एक हिस्सा हो इसी तरह का, जिस तरह से कल यानी कि लोकसभा के जम्मू रियासी लोकसभा सीट के
मतदान है और उससे ठीक पहले इतनी बड़ी खेप का पकड़े जाना काफी शक की सुइयों जो घेरे में आती है। फिलहाल ये जरूर कहेंगे एसएसपी सांबा विनय कुमार जी के नेतृत्व में जो एसएचओ है विजयपुर जहीर मुश्ताक की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। इलेक्शन से ठीक पहले 8,998 शराब की बोतलें पकड़ी गई जिनकी लगभग अप्रोक्सीमेटली जो सूत्र हम तक खबर बता रहे हैं कि लगभग 12 लाख रुपए की कीमत है। आखिर वो 12 लाख की शराब या 8,998 बोतलें कहां जा रही थी, किसके पास जा रही थी, किसके इशारे पर वो बोतलें वहां पहुंचानी थी, कहां पहुंचानी थी, ये पूरा जांच का विषय रहेगा। जांच में क्या निकल कर आएगा ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। फिलहाल ये जरूर कहेंगे वेल्डन सांबा पुलिस वेल्डन एसएचओ जहीर मुश्ताक जिनकी तेज तीव्रता की वजह से तेज तरारी की वजह से अपने काम से जाने जाने वाले जहीर मुश्ताक की वजह से आज कहीं ना कहीं इतनी बड़ी खेप जिसे कहीं ना कहीं कहेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो उन्होंने गाइडलाइन थी उसका भी वायलेशन किया गया। अब आगे की कार्रवाई पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई जारी है, पर फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं इसका इस वोटिंग के साथ जरूर नाता होगा कि आखिर इतनी शराब की खेप कहां जा रही थी। नेता कोशिश करते हैं शराब के माध्यम से लोगों को खरीदा जाए, शराब की बोतलें देकर खरीदा जाए, पर अपनी जनता से जरूर कहेंगे सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। ये ताकत अब आपके हाथ में है, ये आपकी ताकत है, आपके वोट की ताकत को पहचानिए, ईमानदारी के साथ अपना वोट कीजिए, वो आपका अपना अधिकार है। किसी एक शराब की बोतल के लिए या चंद पैसों के लिए अपना ईमान मत गवाइए। अपना जो राइट है फंडामेंटल, आपका बुनियादी हक है, आपका आपको अधिकार मिला है राइट टू वोट, तो उसे आप ईमानदारी से करिएगा, किसी के बहकावे में ना आइए, जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि कल के दिन जनता के हाथ में ताकत होगी अपना नेता चुनने के लिए, और ये उनकी किस्मत पर होगा किस नेता की जो किस्मत है खुलने वाली 4 जून को। फिलहाल कल ईवीएम के माध्यम से उन सारे नेताओं की जो चुनावी रणभूमि में जम्मू रियासी लोकसभा सीट में इस चुनाव के मैदान में कूदे हैं उनकी किस्मत का जो पिटारा होगा सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक जो जनता मत करेगी, और उसके बाद वो पिटारा बंद हो जाएगा, वो पिटारा खुलेगा 4 जून को, और उनका अपनी नेता जितने भी नेता होंगे उनकी किस्मत की यानी कि चाबी किसके हाथ होगी, वो चाबी जब खुलेगी ताला तो जनता ने किसे अपने सर आंखों पर बिठाया होगा और किसे नकारा होगा, ये तो 4 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल ये जरूर कहेंगे एक बड़ी खबर विजयपुर से आ रही है, विजयपुर पुलिस ने 8,998 बोतलें ठीक इलेक्शन के एक दिन पहले जब्त की और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें दीजिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।